हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरीश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग ट्रेन चैप्टर पढ़ रहे थे। ट्रेन का टॉपिक एक, टॉपिक टू पढ़ चुके हैं, टॉपिक थ्री है। टॉपिक थ्री में जाने से पहले कुछ आप लोग को फिर से याद दिला देना चाहूँगा कि जब कोई ट्रेन किसी खड़े व्यक्ति को या बिजली के खंभे को पार करे, अर्थात जब कोई ट्रेन ऐसी जगह को पार करे जिसमें लंबाई न के बराबर, बिजली का खंभा इस तरह से खड़ा रहता है तो इसके लंबाई को नगण्य माना जाता है। तो जब कोई ट्रेन ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई नगण्य मानी जाए और उसमें चाल न हो, तो जैसे अगर कोई ट्रेन किसी बिजली के खंभे को या खड़े व्यक्ति को पार करती है तो दूरी के जगह पर ट्रेन की लंबाई लेंगे, चाल की जगह पर ट्रेन की चाल लेंगे, ठीक है। यदि कोई ट्रेन किसी ऐसी जगह को पार करे जिसमें लंबाई हो लेकिन चाल न हो, जैसे प्लेटफॉर्म, गुफा, पुल, इन सब में चाल नहीं होती है लेकिन लंबाई तो होती है। तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, गुफा या पुल को पार करे तो दूरी के जगह पर दूरी बराबर लेंगे, दूरी के स्थान पर लेंगे ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या गुफा या पुल की लंबाई, चाल के जगह पर तो ट्रेन की चाल, ठीक है। अब है कि अब कोई ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार कर रही है या ऐसे व्यक्ति को पार कर रही है जो खड़ा नहीं है, गति में है। जैसे दौड़ते हुए आदमी को कोई ट्रेन पार कर रही है, दौड़ते हुए घोड़ा को कोई ट्रेन पार कर रही है, ट्रेन भी गति में है और दौड़ता हुआ आदमी भी गति में है। पहला टॉपिक में क्या था कि आदमी स्थिर था और ट्रेन गति में थी, तो आदमी स्थिर था, इसमें इस आदमी की लंबाई को नगण माना जाता है, ऐसी लंबाई को नगण माना जाता है। उस परिस्थिति में हम लोग लिए थे दूरी के जगह पर ट्रेन की लंबाई और चाल के जगह पर ट्रेन की चाल। लेकिन इसमें क्या है कि टॉपिक तीन में आदमी भी गति में है, ट्रेन भी गति में है, तब तो देखिए तब फर्क पड़ेगा केवल चाल पर। जब कोई ट्रेन, नोट में लिख लीजिएगा टाइप तीन, जब कोई ट्रेन दौड़ते हुए आदमी या दौड़ते हुए घोड़ा को पार करे तो दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई, चाल बराबर, तो चाल बराबर दो प्रभाव पड़ेगा चाल पर। आदमी भी दौड़ रहा है, ट्रेन भी गति में है, तो हम लोग चाल पर दो प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग जब किसी ट्रेन के पास से गुजरते हैं तो आपने कभी देखा होगा, कभी याद कीजिए आप कि आप किसी पटरी के पास में चल रहे हो, या फिर आप रोड पर ही देखिए कि एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, लगता है कि झट से क्रॉस कर गए, मतलब दोनों के स्पीड जोड़ के क्रॉस किए हैं, तभी तो लगता है झट से क्रॉस कर गए। इसका मतलब है कि विपरीत दिशा में एक आदमी इधर से आ रहा है, एक आदमी इधर से, तो विपरीत दिशा में दोनों के स्पीड जोड़ के एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जब समान दिशा में होता है तो कोई गाड़ी वाला हमसे आगे जाते रहता है, हम उसके पीछे से जाते रहते हैं, कुछ ज़्यादा स्पीड से, इसके कुछ ज़्यादा स्पीड से जाते रहते हैं, तो लगता है हम उसको धीरे 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 क्रॉस कर रहे हैं, मतलब समान दिशा में हम अपनी सापेक्ष चाल से उसका पीछा करते हैं, ठीक है। और विपरीत दिशा में हम एक दूसरे के चाल को जोड़ के पास करते हैं। तो चाल पर दो प्रभाव पड़ता है, विपरीत दिशा में होने पर, विपरीत दिशा में होने पर चाल जुट जाएगा, और दूसरा समान दिशा में, समान दिशा या उसी दिशा जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में, समान दिशा में होने पर चाल घट जाएगा, ठीक है। विपरीत दिशा में होने पर चाल क्या होगा, जुट जाएगा, और समान दिशा में होने पर चाल घट जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
कब? जब कोई ट्रेन किसी दौड़ते हुए आदमी या दौड़ते हुए घोड़ा को पार करे, अर्थात ऐसी वस्तु को पार करे जो गति में हो लेकिन लंबाई उसमें न हो। तो दूरी के जगह पर ट्रेन की लंबाई लेंगे। चाल की दो परिस्थिति होगी, विपरीत दिशा में होने पर चाल जोड़ देंगे, समान दिशा में होने पर चाल घटा देंगे। ठीक है, अब आइए प्रश्न पे। प्रश्न आपको प्रश्न पढ़ेंगे, आपके इधर इस तरफ प्रश्न दिखेगा। देखिए प्रश्न है, एक सौ 165 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? अपनी ही दिशा में, मतलब समान दिशा में। और ट्रेन की चाल है, ट्रेन की चाल आपको दे दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, व्यक्ति की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अपनी ही दिशा मतलब समान दिशा। तो समान दिशा में होने पर चाल क्या हो जाएगा? तो चाल तो घट जाएगा, तो 60 में से 6 घट गया, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी तो जब कोई ट्रेन किसी दौड़ते हुए आदमी या चलते हुए आदमी या दौड़ते हुए घोड़ा को पार करे, तो दूरी के जगह पर ट्रेन की लंबाई लेंगे। तो ट्रेन की लंबाई है 165 मीटर। अब है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय, जानते हैं ना, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो दूरी कितना है? 165 मीटर, चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। समय निकालना है तो माना टी सेकंड, 18 + 54, 5 × 3 = 15, 15 से 165 कट जाएगा 11 बार में, इस तरह से टी बराबर आ गया 11 सेकंड। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। फिर से समझिए, कह रहा है कि एक 165 मीटर लंबी ट्रेन है, 165 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, ये आदमी दौड़ रहा है, और किस दिशा में? समान दिशा में। तो समान दिशा में होने पर क्या होता है? ट्रेन की ही दिशा में होने पर चाल घट जाता है। अब इसकी चाल है, ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और व्यक्ति की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जब चाल घट जाएगा तो 60 में से 6 गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गया। अब बात है कि दौड़ते हुए आदमी है, तो इसमें इस व्यक्ति को ऐसे पार करेगी, ये दौड़ रहा है आदमी, इधर बढ़ रहा है, तो व्यक्ति को ऐसे पार करेगी ना, तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी। तो दूरी के जगह पर ट्रेन की लंबाई लेंगे, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 165 मीटर। तो दूरी बराबर चाल गुने समय फॉर्मूला होता है, तो दूरी आ गया 165 मीटर, चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा रखेंगे, तो 54, देखिए 165 मीटर में आई 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो बदल लिए, समय टी सेकंड माने, 18 से ही 54 कट गया 3 बार में, 3 × 5 = 15, 15 से 165 कट गया 11 बार में, तो समय आ गया 11 सेकंड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक गाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है, गाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि व्यक्ति विपरीत दिशा में दौड़ रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ट्रेन की चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए चाल बराबर, चाल दिए हुए क्या है, सो लिख रहे, चाल दिए हुए, तो विपरीत दिशा में है तो चाल क्या होगा, जुट जाएगा, तो 25 है ट्रेन की चाल, दो व्यक्ति की चाल, तो 25 × 2 = 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब है फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुने समय। देखिए ट्रेन की लंबाई इसमें दिए हुए है नहीं, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो ट्रेन की लंबाई x मीटर मान लिए, चाल तो चाल कितना रखेंगे, 27 कहाँ से आया, तो विपरीत दिशा में है, तो चाल जुट जाएगा, तो 25 × 2 = 27 आ गया।
तो ये एक्स मीटर माने आई 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। समय आपको दे रखा है, समय क्या दिया है, समय दिया 36 सेकंड, तो गुने 36 तो 18 दूना 36, तो एक्स बराबर आ गया 27 × 135 × 270 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 270 मीटर। ठीक है, देखिए दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, एक दो तीन चीज में रिलेशन है, तीन गो में से कोई एक गो निकालना होगा तो ना निकलेगा, जो निकालना रहेगा उसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए टॉपिक तीन में ही अगला टाइप मिटा दूं इसे, टॉपिक तीन में अगला टाइप, समझिए अब दो ट्रेन है, दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ठीक है, दो ट्रेन है एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, दो ट्रेन है एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ठीक है, अगला टाइप है टॉपिक तीन का ही नेक्स्ट टाइप है कि दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। अब दो ट्रेन है तो दोनों में लंबाई होगी और दोनों गति में, दोनों गति में है, तो जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो समान दिशा में हो तो इतना दूरी तय करना पड़ेगा, विपरीत दिशा में हो तब भी इतना दूरी तय करना पड़ेगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो दूरी हमेशा जुटेगी। ठीक है, जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो दूरी हमेशा जुटेगी। ठीक, तो दूरी हो जाएगा, दूरी के जगह पर लेंगे दोनों ट्रेन की लंबाई का, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग। ठीक है, अब बात है चाल की, तो समझिएगा वही बात होगी, जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो विपरीत दिशा में होगी तो झट से क्रॉस करेगी, मतलब चाल जुट जाएगा, समान दिशा में होगी तो धीरे धीरे क्रॉस करेगी तो चाल घट जाएगा। तो चाल के, चाल का यही सिचुएशन रहेगा कि विपरीत दिशा में होने पर चाल जुटेगा और समान दिशा में होने पर चाल घटेगा, लेकिन दूरी में क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न पे, देखिए प्रश्न कह रहा है कि दो ट्रेन की लंबाई क्रमशः 121 मीटर और 99 मीटर है, ये विपरीत दिशाओं में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, दो ट्रेन है। ठीक है, दो ट्रेन है, एक की लंबाई है 121 मीटर और दूसरी की लंबाई है 99 मीटर, विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा में है, एक की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, दो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है तो दूरी तो दोनों का योग हो जाएगा, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो दूरी तो दोनों ट्रेन की लंबाई का योग हो जाएगा, जैसे इसमें समझाए हैं, यह टाइप तीन का ही, टाइप तीन का ही पार्ट टू है, इसमें दूसरा टाइप है, टाइप टू है। ठीक है, पार्ट तीन का ही टाइप टू है, तो देखिए तो दोनों ट्रेन की लंबाई का योग हो जाएगा, तो 121 और 99 तो 100 तो 220 तो 220 मीटर हो गया। अब बराबर, अब चाल तो विपरीत दिशा में तो चाल जुड़ जाएगा, तो 40 और 32 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/18 से गुना करेंगे मीटर पर सेकंड बदलने के लिए। समय पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा। ठीक है, दो ट्रेन की लंबाई क्रम से 121 मीटर 99 मीटर है, विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी, तो समय पूछ रहा है, 18 × 72 कट गया, 5 × 20 20 से शून्य से शून्य कट गया 2 × 11 बार में, तो टी बराबर आ गया 11 सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रही है बात,
इसको मिटा दें। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विपरीत दिशा में चल रही दो ट्रेन की लंबाई 130 मीटर एवं 120 मीटर है। विपरीत दिशा में है, 130 मीटर 120 मीटर है दूरी, तो दोनों के लंबाई का योग हो जाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो 130 है 120, 250 मीटर दूरी हो गया, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब है 130 मीटर 120 मीटर वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो t के जगह पर 10 सेकंड ले लिए, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो समय तो 10 सेकंड ले लिए, 10 सेकंड में पार कर जाते हैं। यदि एक ट्रेन की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी चाल पूछ रहा है, तो इसका x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए, तो विपरीत दिशा में है तो चाल क्या होगा, जुट जाएगा। तो चाल के जगह पर लेंगे, पूरा ठीक से बैठा देते फिर से, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, ठीक है। तो दूरी हो गया 130 है 120, 250 बराबर चाल, तो विपरीत दिशा में तो चाल जुट जाएगा, तो 42 + x, तो 42 + x। अब देखिए ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। समय लेता है, तो समय लेता है 10 सेकंड। अब सुन्ना से ही सुन्ना कट गया, 5 से ही 5 बार में कट गया, तो ये आ जाएगा 18 × 5 = 90, तो 90 = 42 + x, 42 + x, तो इसीलिए x बराबर आ गया आपका, 90 में से 42 घटा दीजिए तो 90 में से 40 गया, तो 50, 50 में से 2 गया, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो दूसरी ट्रेन की चाल कितनी आ गई, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब एक यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं, भले ही हम 5/18 से गुना कर दिए, लेकिन जो आएगा सो वह किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो विपरीत दिशा में चाल जुट जाएगा, समान दिशा में चाल घट जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ये इतना बात समझ में आ गया तो आपको यह टॉपिक समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, कोई बात नहीं, इसको भी मिटा देते, अब तो याद हो गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक दूसरे को 1 मिनट 12 सेकंड में पार कर जाती है। दो रेलगाड़ी है और समान दिशा में जा रही है, और एक दूसरे एक की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ई ट्रेन इसको पार कर गई है, मतलब इसकी चाल अधिक होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए समान दिशा में जा रही है, एक ही दिशा मतलब समान दिशा होता है, और एक दूसरे को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड लेती है, मतलब t बराबर 1 मिनट तो 60 सेकंड, और 12 सेकंड यानी 72 सेकंड लेता है टोटल। टोटल कितना लेता है, 72 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड मतलब 72 सेकंड। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, इसमें से किसी एक की लंबाई 120 है तो दूसरी की लंबाई x मान ली, तो फार्मूला तो वही है, दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय फार्मूला है। समान दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो, दूरी तो हमेशा जुट जाती है, तो 120 और प्लस x, दूरी के जगह पर कितना लेंगे 120 प्लस x चाल, और चाल समान दिशा में है तो क्या होगा, तो चाल तो घट जाएगा, तो 50 में से 40 गया तो 10। अब ई मीटर में है, ई किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। समय तो समय लेता है 72 सेकंड, तो गुने 72 × 18 = 72, तो 120 + x बराबर 10 × 5 = 50, 50 × 2 = 200, तो x बराबर आ गया 200 में से 120 गया तो 80 मीटर। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 80 मीटर, ठीक है, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि रेलगाड़ी ए की चाल रेलगाड़ी बी से 40% अधिक है तथा उनकी लंबाई क्रमशः 300 मीटर एवं 200 मीटर है, विपरीत दिशा में चलती हुई एक दूसरे को 25 सेकंड में पार कर जाती है। दो रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलती हुई 25 सेकंड में पार कर जाती है, मतलब टी बराबर दे ले है 25 सेकंड, ठीक है, टी का मान दिए हुए 25 सेकंड। अब विपरीत दिशा में है, एक की लंबाई है 300 मीटर, इसकी 300 मीटर मान लेते हैं, दूसरी की 200 मीटर, तो दूरी तो दोनों की लंबाई का योग होगा, चाहे समान दिशा हो चाहे विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में चाल जुट जाता है। अब कह रहा है ए है, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो कह रहा है कि रेलगाड़ी ए की चाल रेलगाड़ी बी से 40% अधिक है। समझिएगा, रेलगाड़ी ए की चाल रेलगाड़ी बी से 40% अधिक है, तो अगर बी का एक्स मानते हैं तो ए का देखिए 40% अधिक 140/100 फ्रैक्शन होता है, 20% अधिक तो 120/100 होता है, 10% अधिक तो 110/100 होता है, तो कह रहा है कि ए की चाल जो है बी से 40% अधिक है, मतलब एक्स के 140/100 है, 20 × 140 अब 20 × 25 100, तो इसकी चाल आ गई 7x/5 ए की चाल, ए की चाल 7x/5 और बी की चाल तो हम मान लिए हैं एक्स, माने हैं ना बी की चाल एक्स माने। चलिए अब विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चाल जुट जाएगा, तो फॉर्मूला तो होता है दूरी बराबर चाल गुने समय, फॉर्मूला वही है, तो दूरी विपरीत दिशा हो चाहे समान दिशा हो जुटेगा 300, 200, 500 मीटर, चाल तो विपरीत दिशा में है तो जुट जाएगा, तो 7x/5 और प्लस एक्स इतना आ जाएगा, चाल माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, आई दूरी मीटर में है तो 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, और गुने समय, समय है 25 सेकंड तो गुने 25, तो 25 से ही काट दीजिए 25 × 50, अब 5 से ही 4 बेर में कट गया। अभी देखिए और बड़बटा में है 18 तो उधर जाके गुना में, तो 72 बराबर आ गया, ये 5x लसर लेंगे तो 5 आ जाएगा ना, तो ये 5x + 7x = 12x, 12 से ही कट गया 6 बेर में, तो x बराबर आ गया 6×5 = 30, तो x का मान आ गया 30, यानी b की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, b को x माने थे ना, b को x माने और x का मान 30 आया, मतलब b का चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ किसका रहा है, तो पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है a की चाल, तो इसीलिए a की चाल हो जाएगी, a की चाल बराबर कितना है, a की चाल तो a की चाल 7x/5 है, तो 7x/5 तो बराबर 7 × 7/5 और गुने x का मान, तो x का मान आया 30, तो गुने 30 तो 5 × 30 तो 7 × 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।